घंटे का 1 रुपया मिलता था, यानी पूरा महीने का 75 रुपया, तो 3 घंटा में काम कर रही थी। ઘણા બધા નવા કામ લાવવાના છે તો આપણે તો ટ્રેનિંગ મળે છે, તાલીમ મળે છે ફેડરેશન તરફથી, તો આપણે કેમ કામ ના લઈ શકીએ, આપણે કેમ ટેન્ડર ભરી ના શકીએ, આપણે કેમ બહેનોને વધારી ના શકીએ? और हम संगठन उसको लेने संगठन करने जाते तो ना ही बोल रही थी कि नहीं हम घर से बाहर नहीं निकल रहे। फिर हमने बताया कि ये संस्था से है, हम संस्था से आ रहे हैं तो हमको तो आपको कायम की रोजी मिलेगी और ऑफिसों में बड़ी बड़ी ऑफिसों में काम मिलेगा तो आपका मान बढ़ेगा, मंडली का मान बढ़ेगा, और नहीं कि भाई और जो हमारा फेडरेशन से वो से उससे हम आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तालीम मिलेगी। हम ऑफिस वाले को भी बोलते हैं कि हमारी जो बहनों है ना संस्था से आते हैं, रास्ते से नहीं आती, तो हमारे में ऐसे गर्व है, हमें गर्व से बोल रही हूँ कि नहीं हमारी बहनों जो आ रही है वो संस्था से आ रही है, रास्ते से नहीं आई तो ऐसी आके चली जाएगी। जवाबदारी पूरे जिम्मेदारी संस्था की है। तो मैंने खुद का मकान, पक्का मकान बनाया और मेरी 3 लड़कियों की पढ़ाई, मेरे लड़के को पढ़ाया, मेरे लड़के को इंजीनियर बनाया और उसने भी वो इंजीनियर होके उसका खुद का मकान लिया। अभी मैं खुश हूँ। मैंने अभी जो मोदी सर ने जो स्वच्छ अभियान निकाला है तो सब बड़े बड़े नेता लोग को झाड़ू पकड़ के, खाली झाड़ू पकड़ के थोड़ा बहुत लगाते हो और टीवी में आने के लिए वो झाड़ू पकड़ते हैं और फोटो पढ़ाने के लिए वो टीवी में आके वो खाली झाड़ू पकड़ के स्वच्छ अभियान कर रहे। हम तो 40 साल से हम स्वच्छ अभियान कर रहे हैं और अभी हमारा स्वच्छ अभियान का काम शुरू ही है।